सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी के क्लास में फिर से मिल रहे हैं। इस हिंदी के क्लास में मैं श्रीमती आचार्य और श्रीमती बावधनकर आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। देखो बच्चों, पिछले बुधवार को आपने हरा घोड़ा, दो लघु कथाएं में से हरा घोड़ा यह कहानी आपने पढ़ी है। आज उसमें से दूसरी जो कहानी है, सेठ का चित्र, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ या पढ़ाने वाली हूँ। देखो, अकबर और बीरबल, ये जो दो लोग थे वो बहुत होशियार थे। उसमें से बीरबल जो था वो बहुत ही होशियार था और अकबर के दरबार में वो काम करता था। कौन सी भी समस्या अकबर बादशाह के पास आती थी तो उसका हल बीरबल निकालता था, इतना वो होशियार था। देखो, आज भी हम ऐसे ही बीरबल की कहानी, अकबर बीरबल की कहानी सुनने वाले हैं। और कहानी का नाम है सेठ का चित्र। अभी आगे देखो, बहुत पहले की बात है, एक सेठ था और वो सेठ बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करना करते समय उसको बहुत तकलीफ होती थी। वो एक भी एक दमड़ी यानी एक पैसा भी खर्च करना नहीं चाहता था, इतना वो कंजूस था। और फिर क्या होता था, वह काम तो सबके पास से कर लेता था, लेकिन वह काम करने के बाद भी लोगों को पैसा नहीं देता था। लोगों को पैसे देने में वह बहुत परेशान करता था। एक बार क्या हुआ, उसे लगा कि हम अपना चित्र बना के लेंगे। इसके लिए उसने एक चित्रकार को बुला लिया और कहा कि मेरा तुम चित्र बनाओ। और जब चित्रकार ने उसका चित्र बनवाया और उसके पास लेकर पहुंचा और वो सेठ से बोला कि मैंने आपका चित्र बना दिया है, मैं मुझे मेरा पैसा दे दो, तो सेठ क्या कहता है, चित्र ठीक नहीं है, उसे दोबारा बनवा कर लाओ। चित्रकार ने फिर से एक बार चित्र बना के लेके आया। फिर भी वो अकबर जो था वो मानता नहीं था। ऐसे कई बार हो गया, चित्रकार चित्र बना के लेता था और हेलो, चित्रकार चित्र बना के आता था और सेठ के पास से पैसे लेके जाने के लिए उसको चित्र दे जाता था, लेकिन सेठ इतना कंजूस था कि वो बार बार चित्रकार को वापस भेज देता था। और चित्रकार को पैसे नहीं देता था। धूर्त सेठ बार बार बोलता था, कैसे पैसे, जब मेरा चित्र ही ठीक नहीं आ रहा है तो मैं किसके पैसे दे दूं, जाओ और फिर से चित्र बनवा के लेके आओ। तो ये सुनते ही चित्रकार को बहुत परेशानी हो गई। अभी आगे देखो, चित्रकार घर पे गया और वो बहुत ही उदास था क्योंकि उसको पैसे नहीं मिल रहे थे। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो बहुत होशियार थी, बुद्धिमान थी। वो अपने पति को बोली कि आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। फरियाद का मतलब है तकरार। आप अकबर बादशाह के पास जाओ और फरियाद करो, ऐसे मुंह लटका कर मत बैठो। क्योंकि चित्रकार तो बहुत उदास हो गया था। वह बोला, सेठ तो बड़ा आदमी है, मैं दरबार में जाकर क्या कहूंगा, मैं तो गरीब आदमी हूं और दरबार में सेठ की ही बात मानी जाएगी। मेरा गरीब का कहना कौन मानेगा, मेरा साथ कौन देगा। लेकिन चित्रकार की पत्नी बहुत होशियार थी, वो बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते, बादशाह अकबर बहुत ही दयालु है। वो भले ही पढ़े लिखे ना हो, लेकिन उनके दरबार में नवरत्न है जो फैसला करते हैं और वो सब भी होशियार है। आप वहां जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। इसके लिए
पत्नी की बात मानकर चित्रकार अकबर बादशाह के दरबार में चला गया। तो देखो, अकबर बादशाह के पास नौ नौ रत्न थे। ये नौ रत्नों की जानकारी आपने पिछले पाठ में दी है, कौन कौन से नौ रत्न थे। उस नौ रत्नों में से एक था बीरबल, और वो बहुत ही होशियार था। देखो इस चित्र में आपको अकबर, बीरबल और अकबर बादशाह के दरबार के जो नौ रत्न है वो भी दिखाई दे रहे हैं, और उसमें से बुद्धिमान ज्यादा था वो बीरबल था। और जो समस्या अकबर बादशाह के पास आती थी उसका हल बीरबल ही निकाल लेते थे, चाहे एक दिन लग जाए, दो दिन लग जाए या आठ दिन लग जाए, लेकिन उसका हल तो बीरबल ही निकाल रहे थे। तो देखो चित्रकार इसी आशा से अकबर बादशाह के दरबार में आ गया। अभी आगे देखो, कहानी हम आगे बढ़ाते हैं। तो चित्रकार अकबर बादशाह के दरबार में पहुंच गया, और उसने अकबर बादशाह के पास अपनी सब फरियाद कर डाली। उसने बोल दिया कि मैं एक सेठ का चित्र बना रहा हूँ, बार बार वो मुझसे चित्र बना के लेता है फिर भी मुझे पैसा नहीं दे रहा है, इसीलिए मैं आपके पास आ गया हूँ। तो फिर अकबर बादशाह ने क्या किया, चित्रकार ने जो जो चित्र बनाए थे वो सब देखना शुरू कर दिया कि और फिर उसे कुछ उसमें गलती नहीं लगी। तो उन्होंने सेठ को बोला कि इसमें क्या कमी है, तुम्हारा चित्र तो बराबर है, इसमें क्या कमी है। तो सेठ बोलता है कि ये चित्र मेरे जैसा हुबहू नहीं है। हुबहू यानी जैसे के तैसा, जैसा मैं दिखता हूँ वैसा ये चित्र नहीं बन पा रहा है, इसीलिए मैं चित्रकार को पैसे नहीं देऊंगा। तो ये बात सुनकर अकबर बादशाह भी सोच में पड़ गए, उन्हें कुछ हल दिखाई नहीं दे रहा था। इसके लिए उन्होंने क्या किया, बीरबल को बुला दिया और बीरबल को सब बातें बता दी, और जो फरियाद थी चित्रकार की वो भी सुनाई। बीरबल ने क्या किया, बीरबल सोच में पड़ गए और उन्हें झट से याद आ गया कि ये जो सेठ है वो बहुत ही कंजूस दिख रहा है, उसको नाटक कर रहा है, ये सेठ जो है वो नाटक कर रहा है क्योंकि उसको पैसे नहीं देने हैं। तो इसीलिए इस सेठ को सही रास्ते पर लाना ही पड़ेगा और गरीब चित्रकार को न्याय देना ही पड़ेगा, क्योंकि बीरबल जानता था कि कलाकार का सम्मान करने से कला और संस्कृति का जतन होता है, संवर्धन होता है, और जिस देश में कलाकार की इज्जत होती है वह देश बहुत ही विख्यात हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। जिस देश में कलाकार की इज्जत नहीं होती है उस देश में कुछ भी मतलब नहीं होता है, वो देश विख्यात नहीं होता है। इसीलिए बीरबल ने क्या किया, बीरबल ने चित्रकार को बोल दिया कि तुम तीन दिन बाद फिर से दरबार में आ जाओ और फिर से एक बार सेठ का चित्र बना के लेके आओ। तो बेचारा गरीब चित्रकार बहुत ही दुखी हो गया कि अरे फिर से एक बार सेठ का चित्र बनाना पड़ेगा, लेकिन वो कुछ बोला नहीं क्योंकि दरबार में वो कुछ बोल नहीं पाता था। और बाद में बीरबल ने सेठ को भी बता दिया कि ये चित्रकार जो है वो तीन दिन बाद आपका हुबहू चित्र बना के लेके आएगा और आप भी उसको उस चित्र के पैसे दे देंगे, या आपको उस चित्र के पैसे देना है। ये बात सुनकर सेठ घर पर चला गया। तो बीरबल ने क्या किया, बीरबल ने चित्रकार को रुकवा कर ये कह दिया कि तीन दिन बाद तुम जब आओगे तो चित्र बनाकर मत लेके आओ। क्या लेके आओ, तुम तीन दिन बाद जब दरबार में आओगे तो एक दर्पण लेकर उपस्थित होना है, एक दर्पण ले लो दरबार में और दरबार में आ जाओ।
तो चित्रकार तो सोच में पड़ गया कि बीरबल ने ऐसा क्यों कहा है। लेकिन उसे मालूम था कि बीरबल जी जो है वो अपना न्याय देके रहेंगे, मुझे न्याय मिलने वाला है। बाद में क्या हुआ, 3 दिन बाद जब चित्रकार दरबार में आ गया तो उसने क्या किया, अपने साथ एक बड़ा सा आईना लेके आ गया, दर्पण यानी आईना, शीशा। 3 दिन बाद चित्रकार एक आईना लेकर दरबार में आ गया और उसी वक्त सेठ भी दरबार में आ गया। चित्रकार ने क्या किया, वो जो आईना था वो सेठ के सामने रखकर बोला, या दर्पण सेठ के सामने रखकर बोला, सेठ जी ये आपका चित्र है, ये मैंने तैयार किया है, देखो अभी आपका चित्र हूबहू आपके जैसा हो गया है। ये देखकर सेठ को अचरज लगा, वो आश्चर्य में पड़ गया। वो बोला ये तो शीशा है, दर्पण है, ये कैसे मेरा चित्र हो गया। तो बीरबल ने बोला आपको हूबहू चित्र चाहिए था, इसीलिए यही चित्र आपका हूबहू है, आपके जैसा ही है। तो फिर सेठ मन में समझ गया कि अपनी चोरी पकड़ गई है, मैं जो चित्रकार को पैसा नहीं देना चाहता था वो अब मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि बीरबल ने अच्छी तरह से न्याय किया था। वो बहुत ही लज्जित हो गया और चित्रकार ने जितने भी चित्र बनाए थे उस सभी चित्रों का मेहनताना यानी पैसे व्यापारी ने, सेठ ने चित्रकार को दे दिए। इस प्रकार चित्रकार को बीरबल ने न्याय दे दिया और इसीलिए चित्रकार सबको धन्यवाद देकर वहां से चला गया और सेठ भी लज्जित होकर वहां से चला गया और उसे समझ में आ गया कि अभी मेरी चालाकी इसके आगे नहीं चलेगी। देखो तो ये बीरबल जो था वो ऐसे ही होशियार था, सबको न्याय देता था, जिसकी बारी थी या फिर जो कोई धूर्त होता था या किसी को फंसाना चाहता था उसी आदमी को बीरबल अपने न्याय से अच्छी तरह से पाठ पढ़ा देता था, उसको सही रास्ते पर लाता था। आपको समझ में आ गई है कहानी, बीरबल हाँ कितना होशियार टीचर, था। हाँ टीचर, हाँ हाँ बहुत टीचर, सीधी, बहुत सीधी साधी हाँ और टीचर, आसान सी ये कथा है। आपको क्या करना है, आपको अकबर बीरबल की जो आगे की कहानियां है ना वो भी आपको पढ़नी है आगे जाकर। अभी हम क्या करेंगे, इस पाठ में जो नए शब्द आए हुए हैं वो देखेंगे। अभी आगे देखो, नए शब्द फरियाद यानी याचना, तकरार, किस्सा यानी कहानी, हूबहू जैसे के तैसा, मेहनताना पारिश्रमिक, सर आंखों पर यानी स्वीकार करना। और इसमें कहावत भी आई है, दूध का दूध और पानी का पानी। जब बीरबल ने न्याय किया तो ऐसा कहा जाता है कि उसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, यानी जो सच्चाई थी वो सबके सामने लाई। और सेठ जो झूठी बातें बनाता था तो उसका झूठ उन्होंने सबके सामने लाया और सही न्याय कर दिया। अभी देखो ये जो पाठ है उसके पाठ के आधार पर मैंने 5 प्रश्न दिए हुए हैं आपको, वो आपको अभी उसके जवाब देने हैं। अभी आगे देखो, कौन पढ़ेगा? अभी जवाब भी दे दो। हाँ गौरव सर,
टीचर की एक दमंडी भी खर्च करते समय उसकी प्राण निकल जाते थे। वह काम करने के बाद भी लोगों को पैसे नहीं देते, परेशान करता था, परेशान रहता था, इसलिए सेठ को कंजूस कहते थे। हाँ, अभी दूसरा कौन पढ़ता है? दूसरा प्रश्न कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू? हाँ, नाम बोलो, नाम बोलो। गौरव। नाम बोलो। हाँ बोलो ना। गौरव। सवाल सवाल बुलवाया सेठ ने। सवाल पढ़ो पहले। चित्रकार को क्यों बुलवाया? हाँ, क्यों बुलवाया था सेठ ने चित्रकार को? अपना चित्र चित्रकार ने से चित्रकार ने चित्रकार को चित्र बनाना चाहता था, इसलिए। हाँ, बराबर है। सेठ अपना चित्र बनाना चाहता था, इसीलिए उसने चित्रकार को बुला लिया। अभी तीसरा सवाल कौन पढ़ेगा? टीचर मैं पढ़ूं? टीचर मैं पढ़ूं? चित्रकार को क्या दी? चित्रकार की पत्नी ने चित्रकार को फिर अकबर बीरबल के राज दरबार में जाने की सलाह दी। हाँ, अकबर और अकबर बादशाह के दरबार में जाने की सलाह दी। अभी चौथा सवाल। कला और संस्कृत की रक्षा कैसे होती है? हाँ, कैसे होती है? बताओ। हाँ बताओ। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं सर्वधान होता है, इससे कला और संस्कृति की रक्षा होती है। बराबर है, बिल्कुल बराबर। अभी पांचवा प्रश्न। बीरबल ने किस प्रकार न्याय किया? हाँ, किस प्रकार न्याय किया बीरबल ने? बीरबल ने सेठ को भी बुला लिया और चित्रकार को भी बुला लिया। हाँ, बुला लिया। दोनों की बातें सुन ली। बीरबल ने चित्रकार को और सेठ को बुलाया। चित्रकार को चित्रकार ने मैं जब जब चित्र करता हूँ तब तब सेठ बोलता है चित्र ठीक नहीं है। हाँ। इसलिए चित्रकार बीरबल ने सेठ को पूछा तो सेठ बोला चित्र ठीक नहीं है। और 3 दिन बाद चित्रकार को बीरबल ने बोला तुम दरबार में दर्पण लेके आओ। तब चित्रकार को समझ आया बीरबल मेरा न्याय सही करेगा। और हाँ। चित्रकार दर्पण ले आए और सेठ को उस दर्पण में उसका चित्र दिखाया। और सेठ और बीरबल बोला ये रहा तुम्हारा चित्र। और सेठ बोला ये तो दर्पण ऐसा। बीरबल ने न्याय किया। बराबर है, लेकिन ये जो तूने जवाब दिया ना वो छोटा करके अपने को लिखना है इसमें नोटबुक में कि बीरबल ने दोनों को बुलाया, दोनों की बातें सुनी और दोनों की बातें सुनकर बीरबल को समझ में आ गया कि सेठ बहुत ही चालाक है, वो पैसा देना नहीं चाहता है। इसलिए उसने चित्रकार को एक युक्ति दे दी और जब सेठ का चित्र निकालने की बारी आई तो चित्रकार को उसने कह दिया कि उसको दर्पण दिखा दो और बोल दो कि यही तुम्हारी तस्वीर है, उसको हुबहू चित्र चाहिए तो यही तुम्हारी तस्वीर है ऐसा बोल दो। और इस प्रकार बीरबल ने न्याय कर दिया। सबकी समझ में आ गया पाठ? हाँ टीचर। हाँ टीचर। बहुत सीधा और सरल पाठ है। अभी टीचर अभी आपको क्या कर रहे हैं? अकबर बीरबल की और सी कहानियां आपको पढ़नी है और उसमें बीरबल ने किस प्रकार किया। दे
बीरबल ने किस प्रकार न्याय किया है वो आपको समझ में आ जाएगा। कहानियां पढ़ने के लिए मजा आता है ना बहुत, इसके लिए अकबर बीरबल की और कहानियां पढ़नी है। और अगले बुधवार को हम फिर से और एक नया पाठ लेकर इसी समय पर 8 बजे अपना जो पाठ रहता है उसी समय पर हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद और थैंक यू टीचर। हाँ, आज से हम लोग को बोलने।